नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिजिटल हेल्प हिंदी में। दोस्तों, जो यूटीआई आईटीएसएल के द्वारा पैन कार्ड बनाए जाते हैं, अगर वो खो जाता है या कहीं गुम हो जाता है या कहीं चोरी हो जाता है, उसको आप किस प्रकार से उसकी ओरिजिनल कॉपी दोबारा से मंगा सकते हैं। जो ओरिजिनल कॉपी आप वहीं से ही ऑफिशियल इसके ऑफिस से मंगा सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसका आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे। यूटीआई आईटीएसएल के द्वारा जो पैन कार्ड बनाए जाते हैं, उनको आप खोए हुए पैन कार्ड को किस प्रकार से ओरिजिनल पैन कार्ड दोबारा मंगा सकते हैं, उसका आपको पूरा लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे। क्या उसकी फ़ीस होती है, क्या उसमें डिटेल्स फिल करनी होती है, जब आप उसको ऑर्डर करते हैं तो उसका आपको लाइव प्रोसेस करते दिखाते हैं। तो करने के लिए आपको क्या करना है, ऑर्डर अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, आपको उसके मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के ब्राउजर में आ जाना है। यूटीआई पैन लिख के जैसे सर्च करते हैं, ये वाली वेबसाइट सबसे ऊपर आ जाती है। इसकी देखो utiitsl.com के नाम से वाली वेबसाइट आ जाती है। वेबसाइट ऐसे फाइंड होती है, ठीक है, वरना लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से खोल सकते हैं। इसका इस प्रकार का होम पेज खुल जाता है। देखो ये इस प्रकार का होम पेज है इसका, वेबसाइट का। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये देखो पैन कार्ड सर्विस, ये बड़े बड़े लोगो बने हुए, आपको यहाँ पे पैन कार्ड सर्विस का दिया हुआ ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। पैन कार्ड सर्विस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे भी और काफ़ी ऑप्शन खुल जाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सिर्फ पैन कार्ड ऑर्डर करना है। जैसे हमारा पैन कार्ड खोया गया तो हमें रीप्रिंट पैन कार्ड पे ही क्लिक करना है। ये देखो इधर यहाँ पे हुआ लेफ्ट साइड में रीप्रिंट पैन कार्ड, यहाँ पे क्लिक हर टू रीप्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो इस प्रकार का नया लिंक खुल जाता है। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए, देखो रीप्रिंट पैन कार्ड, रीप्रिंट पैन कार्ड ये ऑर्डर करने का ही यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ रीप्रिंट पैन कार्ड। ये फीस भी दी हुई, देखो इसकी कितनी फीस है, जो 50 रुपये इसकी इंडियन सिटीजन के लिए है और 959,959 फॉरन सिटीजन के लिए है। इसमें फॉरन अगर एड्रेस है तो 959 फीस है और इंडियन सिटीजन के लिए 50 फीस है। तो इस पर जैसे क्लिक करते हैं रीप्रिंट पे, देखो ये हमसे डिटेल्स ले जाती है पैन कार्ड ऑर्डर करने के लिए। ये डिटेल ले जाती हैं जिसमें पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ का मंथ और ईयर ही डालना है सिर्फ, पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं डालनी है इसमें, डे नहीं डालना है, मंथ और ईयर। और ये कैप्चा कोड डालना होता है नीचे, जो कैप्चा कोड इसमें दिया हुआ है बॉक्स में डाल के सबमिट पे क्लिक करना होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, पैन कार्ड का नंबर डाल लेंगे इसमें, जो पैन कार्ड हमने यूटीआई टीएसएल के द्वारा बनाया वो पैन कार्ड का नंबर डाल लेंगे और डेट ऑफ बर्थ का सन डाल के, महीना सन डाल के जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं, देखो ये एक बार बोलता है प्लीज़ वेरीफाई योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स। सबमिट पे जैसे क्लिक करते हैं, एक बार वेरीफाई करने के लिए बोलता है, इसमें दिखा देता है, थोड़ा हाइड रहता है, आपका मोबाइल नंबर दिखा देता है जो रजिस्टर्ड है, कस्टमर का मोबाइल नंबर दिखा देता है और ईमेल आईडी दिखा देता है, जो उनसी ईमेल आईडी फॉर्म जब भर बनवाया था, ये फॉर्म फिल किया था पैन कार्ड का, उसमें जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड की थी वो ईमेल आईडी दिखा देता है, बाकी और एड्रेस भी दिखा देता है, कम्युनिकेशन एड्रेस जहाँ पे पैन कार्ड डिलीवर होगा वो आपको यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेना है कि सही है या नहीं है। पूरा तो एड्रेस नहीं होता, थोड़ा हाइड होता है, या आपको यहाँ से चेक कर लेना है कि हमारा एड्रेस सही सही है। और ये देखो मोबाइल नंबर, जो ईमेल आईडी है, इनमें से आपके पास एक पे एसएमएस आपको भेजना है, चाहे आप ईमेल आईडी पे भेजिए चाहे मोबाइल पे भेजिए, आपको एक पे एसएमएस भेजना है, वो आपको ओटीपी होता है वन टाइम पासवर्ड, उसको सबमिट करके ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको ये करना है, ये देखो ऊपर दे रखे हाइड किए हुए, लेकिन आप समझ सकते हैं बड़ी आसानी से कि कौन सा नंबर हमारा रजिस्टर्ड है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे इसमें जो दिया हुआ है यहाँ पे बॉक्स में, और इसमें चेक मार्क करके गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी पे जैसे क्लिक करते हैं, देखो आ जाता है ओटीपी सेंड टू ओवर ईमेल, अगर ईमेल पे करेंगे तो ईमेल पे आएगा ऑप्शन, और मोबाइल पे करेंगे तो मोबाइल पे भी चला जाएगा। अभी हमें क्या करना है, अपना चेक कर लेना है ईमेल कि ओटीपी आ गया है, ओके पे क्लिक करेंगे और ओटीपी चेक कर लेते हैं। ओटीपी आ जाता है तो उसको डाल लेते हैं, 6 अंकों का ओटीपी आता है, और सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखो सबमिट पे क्लिक करने बाद एक बार हमसे मोबाइल और ईमेल आईडी फिर लेगा ये पोर्टल, यहाँ से हमें कोई भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है, ज़रूरी नहीं कि जो आपका रजिस्टर्ड है वही देना है, यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल और ईमेल दे सकते हैं, या आपका कहीं भी रजिस्टर नहीं होगा इस पर, आपकी सिर्फ इसकी जो हम ऑर्डर करें इसकी नोटिफिकेशन वगैरह आएगी और कुछ नहीं। इस पर बिल टैक्स पे क्लिक करेंगे और कन्फर्म पेमेंट पे क्लिक करना है। अभी हमें फ़ीस कट करनी है इसकी, 50 रुपये जो फीस है इसकी इंडियन एड्रेस के लिए, वो फीस आपको कट करनी है। फीस कट करते हैं तो देखो पेमेंट वाले पेज पे ये रिडायरेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग वॉलेट, QR कोड, UPI, जहाँ से भी आपको सुविधा लगे आप उससे पेमेंट कर सकते हैं, QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं, UPI से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा लगे, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम कह के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। 50 रुपये आपको फ़ीस करनी है अनिवार्य रूप से, इसकी जो फीस है ऑर्डर करने की। अभी यहाँ पे हम कार्ड से पे करते हैं, डेबिट कार्ड से,
ये कभी कार्ड की डिटेल्स वगैरह डाल के मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। ओटीपी आएगा हमारे फ़ोन पे, अगर कार्ड से पे कर रहे हैं हम डेबिट कार्ड से तो ओटीपी आएगा फ़ोन पे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल लेना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए जैसे ही पेमेंट सक्सेस होता है ये रिसिप्ट हमारे सामने जनरेट हो जाती है, वेबसाइट के द्वारा रिसिप्ट जनरेट हो जाती है और जहाँ पे पैन रिपीट एप्लीकेशन नंबर भी शो हो जाता है। इसी के द्वारा हम चेक कर सकते हैं कि पैन कार्ड कहाँ तक पहुँचा है, कब डिस्पैच हुआ, कहाँ से डिस्पैच हुआ, सभी आप स्टेटस इस एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से देख सकते हैं, जिसको आपको कॉपी कर लेना है। डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट डाउनलोड हो जाती है पीडीएफ को फॉर्मेट में, इसको आप देख सकते हैं। देखो अगर आपके पास प्रिंटर अवेलेबल है तो उसका प्रिंट ले लीजिए आप, और कस्टमर के लिए कर रहे हैं तो कस्टमर को ये प्रिंट आप दे दीजिए। इसी एप्लीकेशन नंबर के द्वारा आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कहाँ तक हमारा पैन कार्ड का प्रोसेस हुआ है, कहाँ तक नहीं, ये आपको सुरक्षित कर लेना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और अगर आपकी कोई क्वारी है, कोई आपकी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। नमस्कार।